सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी की बैठक जिला मुख्यालय नाहन में संपन्न हुई। बैठक में सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान जिला में किसानों से संबंधित मांगों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सीपीआईएम ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद हुए एनपीएस कर्मचारियों की मांग का भी समर्थन किया। मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि जिला सिरमौर लहसुन अदरक और सब्जियों के लिहाजा इनका समर्थन मूल्य के साथ साथ इस पर आधारित उद्योग भी स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सामाजिक मुद्दों को लेकर पूंजीवादी संकट गहरा रहा है, जिसका धीरे धीरे प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारा जैसे सिरमौर जिला है, यहाँ पर लहसुन है, अदरक है और जो सब्जियाँ पैदा होती है, इनमें न्यूनतम समर्थन मिले, इस पर आधारित उद्योग लगे और इनकी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हो, ये सभी मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं। हमें देख रहे हैं कि इस समय जो पूंजीवादी संकट है वो गहरा रहा है, मगर धीरे धीरे वो कई और तरह से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कई किस्म से, जैसे सामान्य आयोग, स्वर्ण आयोग, इस तरह की जो मांग उठी है। और दूसरी तरफ जो दलित है, दलित शोषण मुक्ति मंच, जो एक बात रख रहा है कि इस समय समाज का वो तबका जिनके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है, और इस समय जो इस तरह की मांग भी निकल रही है कि जो आरक्षण के विरोध में है या जो दलितों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ होती है, हमारी पार्टी उसके भी विरोध में है। और यहाँ पर जो कर्मचारी है तो उनको 2003 के बाद जो एक जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, जो सीपीआईएम है, उन सभी कर्मचारियों का, एनपीएस वाले जो कर्मचारी है, जो एक ओल्ड पेंशन के लिए समय लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह एक बंगाल और राजस्थान के अंदर इस समय ये डिक्लेयर हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं। और उसके अलावा जो स्कीम वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर के जो मध्याह्न भोजन है और जो डिफरेंट स्तर के ऊपर जो स्कीम वर्कर हैं, आउटसोर्स वर्कर है, उसकी रेगुलराइजेशन एक तरफ, और उनको जो न्यूनतम उनको जो एक एक सैलरी मिलनी चाहिए, जो हाई कोर्ट ने अभी निर्णय लिया था, जिससे कि अपने जीवन यापन कर सकें, उस लड़ाई का भी उन सभी लोगों का, एक हमारी जो पार्टी है वो समर्थन करती है।